फिल्म अभिनेता सलमान खान और शिल्पा शेट्टी का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग थिएटर पर जमे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से देश के कई हिस्सों में वाल्मीकि समाज से जुड़े लोग विरोध दिखा रहे हैं और आज रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है का विरोध करने के लिए समाज के सैकड़ों लोग मुरादाबाद के चड्डा थिएटर पर जमा हो गए और सलमान खान हाय हाय के नारे लगाने लगे। इन लोगों का आरोप है कि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने उनका अपमान किया है। उनकी सरकार से मांग है कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह देश भर में एक बड़ा अभियान छेड़ने को मजबूर होंगे। पूरे भारत के अंदर वाल्मीकि समाज में सफाई मजदूरों में कड़ा रोष उत्पन्न हो गया है और कड़ा रोष उत्पन्न ये हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग लगातार हमारे समाज के ऊपर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर चैनलों पर हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम आज क्योंकि आज फिल्म रिलीज हुई है इनकी मैं टाइगर जिंदा हूँ और जिसके हीरो हैं सलमान खान, तो हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सलमान खान की पिक्चरें जो है किसी भी शहर के अंदर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने ETC के चैनल के ऊपर सार्वजनिक बिल्कुल स्थल पर वाल्मीकि समाज को सफाई मजदूरों को अपमानित करने का काम किया है। हम देश के प्रधानमंत्री से जिला प्रशासन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इनकी पिक्चरों को बंद किया जाए और इनके खिलाफ में अनुसूचित जाति अधिनियम एक्ट के तहत मांग मतलब मुकदमा दर्ज किया जाए।